तो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पर को मेरे पास विराट कोहली के बारे में अपडेट है, केएस भरत के बारे में अपडेट है, ईशान किशन के बारे में अपडेट है। तो आप लोगों को वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। और हाँ भाई, नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो यार लाइक कर देना, कंजूसी मत करना मेरे भाई। अब देखो, आज की जो सबसे पहली अपडेट है वो है केएस भरत के बारे में। आप लोगों को पता होगा, मतलब यार केएस भरत का जो परफॉर्मेंस है ना, अभी तक मतलब यार इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास रहा नहीं है। मतलब लोग उसकी कीपिंग स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि यार वो बंदा कीपर अच्छा है करके, लेकिन विद द बैट यार उस बंदे का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा आ नहीं रखा है। स्पेशली जब आपके पास ईशान किशन जैसे प्लेयर हैं या फिर यार ध्रुव जुरेल भी मतलब यार खेल ही सकता है, क्योंकि नया तो यार केएस भरत भी है, तो लोग ना मतलब यार केएस भरत को अब टीम में नहीं देखना चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए मतलब यार राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना मतलब यार केएस भरत के बारे में भी स्टेटमेंट दे रखा है। उन्होंने क्या कहा है आप लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखना, लेकिन मैं हिंदी में बता देता हूं। देखो, उन्होंने कह रखा है कि यार मैं केएस भरत के लिए ना डिसअपॉइंटेड जैसा वर्ड यूज नहीं करूंगा, बिकॉज जो यंग प्लेयर्स होते हैं ना वो अपनी पेस पे ग्रो करते हैं। लेकिन यार देखो, केएस भरत कीपर तो बहुत ज्यादा कमाल के, बट यार एज अ बैटर उसको भी अच्छा करना चाहिए था, ये उसे भी पता है। ऐसा मतलब यार राहुल द्रविड़ सर ने कह रखा है और मैं फुली अग्री भी करता हूं यार। एज अ बैटर अभी तक मतलब यार केएस भरत ने कुछ भी नहीं कर रखा है भाई। आई मीन ठीक है, इधर उधर मतलब यार 30-40 रन बना दे रहा है, बट यार कीपर से हमें कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। सही में यार उतने नीचे बैटिंग कर रहे हैं, जब आपसे मतलब यार ज्यादा रन अश्विन अन्ना बना दे रहे हैं, तो भाई आप मतलब यार एज अ बैटर क्या कर रहे हो, आपको भी मतलब यार क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो लेट्स सी टीम इंडिया मतलब यार अगले मैच में केएस भरत के साथ जाती है या फिर जो न्यू एडिशन हुआ था ध्रुव जुरेल का, वो वाले ऑप्शन के साथ जाती है, बिकॉज ईशान किशन का जो केस है स्टैम्पी को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। और उसी के बारे में मेरी सेकंड अपडेट भी है, जहां पर को ईशान किशन के बारे में एक बार फिर से मतलब यार राहुल द्रविड़ सर ने कमेंट कर रखा है। आई मीन देखो, ईशान किशन ने जो रेस्ट मांगा था ना, वो तो मतलब यार बहुत ही गंदा एक्सक्यूज था सही में। आई मीन ठीक है, तुम्हें मतलब यार मेंटल फटीग है या फिर जो भी चीजें हैं, लेकिन यार इंडियन टीम में अगर ऐसी चीजें करोगे ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी यहां पर को, बिकॉज यहां पर को जो कंपटीशन है वो वैसे ही मतलब यार ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ईशान किशन का जो मतलब यार ब्रेक लेना था ना, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यार उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, बिकॉज राहुल द्रविड़ ने भी मतलब यार एक काइंड ऑफ वार्निंग टाइप की दे दी है कि यार अगर आपको मतलब यार इंटरनेशनल टीम में वापस आना है या फिर यार कंसिडर होना है, तो भाई आपको रणजी खेलना पड़ेगा। रणजी नहीं भी खेलते हो तब भी ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ताकि आपको मतलब यार टीम इंडिया के लिए कंसिडर किया जाए। और सही बताऊं, ये चीज सही भी है यार। लेकिन जैसे बड़े प्लेयर्स होते हैं लाइक विराट कोहली हो गए जैसे, आजकल वो भी मतलब यार रेस्ट में चल रहे हैं, क्या वो भी मतलब यार कुछ क्रिकेट खेल के आएंगे? मतलब यार देखो, सबके लिए रूल सेम होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यस यार, मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा बहुत मिल जाता है, बिकॉज यार वो इतने बड़े लेवल पे है, उनसे तो मतलब यार आप बार बार नहीं कहोगे कि यार क्या कहते हैं रणजी खेल के आओ करके। लेकिन फिर भी यार श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक खेला हुआ है या फिर जडेजा हो गया उसने भी डोमेस्टिक खेला हुआ है, तो भाई ईशान किशन को कुछ ना कुछ तो खेलना ही पड़ेगा, वरना मुझे लग रहा है कि शायद भाई उसके लिए जो मुश्किलें हैं ना और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब आज की तीसरी अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो है तीसरे टेस्ट की स्क्वाड कब आने वाली है। बहुत से लोग मतलब यार इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, तो साफ साफ बता देता हूं, मतलब यार रूमर्स यही चल रही है। क्रिक बस के हवाले से न्यूज यही है कि आज शायद शाम को मतलब यार तीसरे टेस्ट की स्क्वाड आ सकती है। तीसरे क्या, तीसरे चौथे पांचवें तीनों की मतलब यार शायद आज ही मतलब यार अनाउंस कर सकते हैं लोग। अब आज की चौथी अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो है विराट कोहली के बारे में। देखो, विराट कोहली तीसरे टेस्ट में वापस आएंगे नहीं आएंगे, इस पे भी सस्पेंस बना हुआ है, बिकॉज अभी तक उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो राहुल द्रविड़ ने कह रखा है कि यार हम लोग मतलब यार उनसे कॉन्टेक्ट वगैरह करेंगे, और अभी तो वैसे भी मतलब यार 10 दिन बचे हुए हैं, तो मतलब यार हो जाएगा, जब भी स्क्वाड आएगी आपको पता चल जाएगा करके। तो यही वाली रूमर है अभी, मतलब यार अगर कोई कह रहा है कि वो पक्का खेलने वाले हैं, तो भाई मैं बता देता हूं सारी की सारी रूमर है। ठीक है, उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। अब आज की जो पांचवी अपडेट है भाई, वो है इंग्लैंड टीम के बारे में। भाई इंग्लैंड वाले एक बार फिर से अबू धाबी वापस चले गए। आपको पता है अब जो अगला मैच होने वाला है उसके बीच में मतलब यार 10 दिन का गैप है, तो उन लोगों ने कहा यार कि चलो वापस मतलब यार अबू धाबी की तरफ चला जाए, बिकॉज यार वहां पर को उनके फैमिली वाले उनसे मीट करने आएंगे। आई नो, मतलब यार जैसे मैंने कहा होगा कि यार वो लोग अबू धाबी वापस जा रहे हैं करके, आप लोग अज्यूम करने लग गए होंगे कि यार इंडिया में ऐसा क्या है, यहां पर कोई क्यों नहीं रखे, फलाना डिस्काना। ऐसा नहीं है भाई, उनके जो फैमिली मेंबर्स है ना वो वहां पर को अबू धाबी में आने वाले हैं। तो अगर आप लोग मतलब यार कहीं से ऐसा सुन रहे हो, तो यार कुछ गलत अज्यूम्पशन मत कर लेना। वहां पर को वो लोग मतलब यार अपनी फैमिली से मीट करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन भी वहीं पर को करेंगे, और मतलब यार ठीक मैच से पहले शायद वो लोग वापस इंडिया आ जाएंगे। तो देखते हैं मतलब क्या होता है। लेकिन आज की अपडेट बस इतनी है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और हाँ भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो यार वो भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाओ भाई वहां पर को जाके ज्वाइन करो यार।